हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने का हमारा पहला नियम है, अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द हैं जिनके फेमिनिन रूप में पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे एक तरफ हम लोग देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर और दूसरे तरफ देखेंगे ये जो मैस्कुलिन जेंडर है उसका फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा, वो हम इस तरफ देखेंगे। तो चलिए, बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, बॉय का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा गर्ल यानी कि लड़की। बॉय जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है यानी कि पुल्लिंग है, यानी कि पुल्लिंग किसको कहते हैं, तो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं यानी कि फेमिनिन कहते हैं। तो बॉय जो है वो मैस्कुलिन जेंडर हो गया, तो बॉय का फेमिनिन जेंडर बनेगा गर्ल। आगे है सन, सन मीन्स होता है बेटा, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी। आगे है ब्रदर, ब्रदर मीन्स होता है भाई, तो भाई का हो जाएगा बहन यानी कि सिस्टर। नेक्स्ट है फादर, फादर मीन्स होता है पिताजी, तो इसका हो जाएगा मदर, मदर मीन्स माताजी। नेक्स्ट है अंकल, अंकल मीन्स होता है चाचा जी, और अंकल का फेमिनिन जेंडर बनेगा अंट यानी कि चाची। नेक्स्ट है मैन, मैन मीन्स होता है पुरुष, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा उमन यानी कि महिला। नेक्स्ट है पापा, पापा का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा मामा यानी कि माता। नेक्स्ट है नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा, तो भतीजा का फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा भतीजी यानी कि नेफ्यू का नीश। नेक्स्ट है लैड, एल ए डी, लैड मीन्स होता है लड़का, तो लड़का का हो जाएगा लड़की यानी कि एल ए डबल एस, लैश, लैड मीन्स लड़का, जो एक मैस्कुलिन जेंडर है, और लैड का फेमिनिन जेंडर बनेगा लैश यानी कि लड़की। नेक्स्ट है हस्बैंड, हस्बैंड मीन्स होता है पति, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा वाइफ यानी कि पत्नी। नेक्स्ट है ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा ब्राइड यानी कि दुल्हन, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड। नेक्स्ट है विडोवर, विडोवर मतलब होता है विधुर, तो विडोवर का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा विडो यानी कि विधवा। नेक्स्ट है जेंटलमैन, जेंटलमैन होता है भद्र पुरुष, तो भद्र पुरुष का हो जाएगा भद्र महिला यानी कि जेंटल वुमेन। नेक्स्ट है बैचलर, बैचलर मीन्स होता है अविवाहित, तो बैचलर का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा मेड यानी कि अविवाहिता। नेक्स्ट है सर, सर मीन्स होता है महोदय, तो सर का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा मैडम यानी कि महोदया। नेक्स्ट है मिस्टर, मिस्टर मीन्स होता है श्रीमान, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा मिसेज यानी कि श्रीमती। नेक्स्ट है हीरो, हीरो मीन्स होता है नायक, तो हीरो का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा हीरोइन यानी कि नायिका। नेक्स्ट है किंग, किंग मीन्स राजा, और राजा का हो जाएगा फेमिनिन जेंडर क्वीन यानी कि रानी। नेक्स्ट है मोंक, मोंक मीन्स होता है मठवासी, तो मोंक का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा नन यानी कि मठवासिनी। नेक्स्ट है सुल्तान, सुल्तान मीन्स सुल्तान, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा सुल्ताना। नेक्स्ट है जार, सी जेड ए आर, जार, जार का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा जारीना, सी जेड ए आर आई एन ए, जारीना। नेक्स्ट है बूल, बूल मीन्स होता है सांड, तो इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा काऊ यानी कि गाय। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, और मेयर मीन्स घोड़ी। नेक्स्ट है डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, तो कुत्ता का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा बीच यानी कि कुतिया। नेक्स्ट है
रैम, रैम मीन्स होता है भेड़ा और ईव मीन्स होता है भेड़ी, तो रैम का फेमिनिन जेंडर बनेगा ईव। नेक्स्ट है फॉक्स, फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, तो फॉक्स का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा विक्शेन, विक्शेन मीन्स मादा लोमड़ी। नेक्स्ट है बोअर, बोअर मीन्स सुअर, और बोअर का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा साउ, साउ मीन्स सुअरी। नेक्स्ट है कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा और हेन मीन्स मुर्गी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कुछ मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर, आप इसे अच्छे से कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।